पर नून लीग के कुछ रहनुमा वफाकी वजीर रियाज पीरजादा से नाला नजर आते हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के रियाज पीरजादा से शिकवे करने लगे, जिस पर रियाज पीरजादा ने कहा कि शहबाज शरीफ के नून लीग को टेक ओवर करने से मुतालिक अपने बयान पर कायम हूं। मैंने नवाज शरीफ के भाई को पार्टी टेक ओवर करने का कहा है, 111 ब्रिगेड के कमांडर को पार्टी टेक ओवर करने का नहीं कहा। 111 ब्रिगेड का कमांडर है और मैंने कहा टेक ओवर कर लो तो वो मैं बदलाव फिर वापस ले लेता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब टेक ओवर ना करें। लेकिन अगर मेरा मतलब ये है कि जी वो उनके ऐसे भाई हैं जो उसका ताबेदार भाई है, जिसने कभी उसकी हुक्म के खिलाफ नहीं गए, तो उसको क्यों इतनी किसी को मर्चें लग गई? अगर वो ताबेदार भाई नहीं है तो मेरा मुझे क्या पता कि उनके दिल में क्या है जो तनकीद मेरे पे कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ा साफ वो आदमी हूँ और नेकनीयत आदमी हूँ जिसके साथ खड़ा हूँ। मुझे जिस पार्टी में हूँ, जिस कश्ती का सवार हूँ, उसमें सुराख करने की जरूरत नहीं। मुझे किसी पे कोई दबाव नहीं आया। मैंने तो ये टीवी पे सुना है, पर ये भी दबाव ही समझे, क्योंकि जो मौसमी मेंढक अलाप रहे थे रात, तो उसकी सब समझ आ रही थी। तो ये मौसमी मेंढक जो थे इनका मुझे कोई परवाह ना। अगर कोई आदमी अदब और आदाब की भूल जाता है बुजुर्गों के लिए या अपने लोगों के लिए, तो उसका तो उनकी अपना स्वाब दीद है।